उत्तर प्रदेश की सियासत के बाहुबली और पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कभी अपने बयानों के लिए तो कभी अपनी दबंगई के लिए चर्चाओं में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के उन मामलों के बारे में जो उनकी दबंगई से ताल्लुक रखते हैं और उनकी छवि बाहुबली नेता के तौर पर बनाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादों की बात करें तो एक तरफ कट्टर राम भक्त और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हैं, यही वजह है कि बाबरी ढांचे के विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी के साथ 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। उनको विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी बताया गया और टाडा एक्ट में जेल भी जा चुके हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कसरर की हत्या करने वाले अरुण गवली गैंग के शूटर शैलेश हलंदकर और बिपिन की जिन शूटरों ने हत्या की थी उनको शरण देने का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था। हालांकि सीबीआई ने जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी और कोर्ट से भी ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो गए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा। 1993 में गोंडा के नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र में हुए इस जानलेवा हमले के मामले में भी कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कहा गया कि इस केस में मुख्य गवाह पंडित सिंह कभी गवाही देने नहीं गए और ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था। साल 2014 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर अयोध्या के राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट लगाई और निचली अदालत ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पुलिस की पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में सीधे एफआईआर नहीं हो सकती, सरकारी अधिकारी से परिवाद दायर कर सकता है। वहीं मामले की सुनवाई करने के बाद जुलाई 2022 में ही हाईकोर्ट में जस्टिस डीके सिंह की बेंच ने केस को ही रद्द कर दिया। आपराधिक इतिहास की बात करें तो साल 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार उन पर 4 मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी में भी सजा नहीं सुनाई गई। इन 4 मामलों में एक मामला अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस का था जिसे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। हाल ही में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक खिलाड़ी को मंच पर ही थप्पड़ मारते हुए वीडियो नजर आया था। रांची में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। रांची के खेल गांव के शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं के दौरान ये घटना हुई थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर।